विकसित देवरिया और कुशीनगर के संकल्पों को पूरा करने के लिए सदर सांसद शशांक मणि ने एक नई पहल की शुरुआत की है। श्री शशांक मणि ने देवरिया कुशीनगर के 1050 गांवों को समृद्ध बनाने के लिए एक सामाजिक बरगद अमृत संगठन का गठन किया है। आज बरगद अमृत संगठन का शुभारंभ स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अपने पूर्वांचल की पहचान को पूरे देश दुनिया में ले जाने और हर व्यक्ति के जीवन में अर्थ के संचार के लिए बरगद अमृत संगठन का गठन किया गया है। इस संगठन के सदस्य गांव-गांव में प्राकृतिक अर्थ, भौतिक अर्थ और सांस्कृतिक अर्थ के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और अपने क्षेत्र की मानव क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। संगठन के संस्थापक सदर सांसद शशांक मणि ने कहा कि बरगद अमृत संगठन के शुभारंभ के साथ ही आज जागृति उद्यम केंद्र का पूर्वांचल के 4 और जिलों विस्तार हुआ। जागृति उद्यम केंद्र देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के साथ अब मऊ, बलिया, संत कबीरनगर और महाराजगंज में भी उद्यमिता को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही आज श्री मणि ने उद्यमिता पर राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए उद्यमिता बिल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो एक बिल का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया कि अगले 5 साल में हम 10 लाख लोगों को कौशल विकास से जोड़े और प्रतिवर्ष इसके ऊपर 1000 लोगों काम करना चाहते। आप में से जो समाचार पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों के भीतर ये मालूम होगा, योगी जी की सरकार